मेरा नाम उदयवीर सिंह राजौंद है और मैं स्टेट यूवा एनएलडी का अध्यक्ष हूँ। आज की मीटिंग का क्या है? जी देखिए, 21 जनवरी का एक पूरे स्टेट का युवा का प्रोग्राम कैथल में रख दिया गया है चौधरी अभय सिंह जी द्वारा, तो उस बारे में आज की मीटिंग थी और जो अपने स्टेट की जिले की कार्यकारिणी अनाउंस हुई है उसके बारे में बुला रखा था सभी युवाओं को। देखिए, हमने चारों हलके हैं उनमें हलका अध्यक्ष लगा दिए गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष के बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रचार सचिव और कोषाध्यक्ष के बाद हमने सदस्य बनाए हैं। वो अलग अलग हर एक में, हर एक हलके से 10-10 युवा लिए गए हैं अलग अलग गांव से। युवा कार्यकारिणी को कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां? बिल्कुल, देखो यहाँ पे सारे युवाओं की जो जिम्मेदारी लगाई है, 10 हर एक हलके में से अगर 10 युवा अलग अलग गांव में से हैं, हमने उन युवाओं को कहा है कि भाई आप हर एक युवा 3-3 गांव जाके आओ, 3-3 गांव में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे उनसे मिलो जाके, और जो नए हमसे युवा जुड़ना चाहते हैं आप उन सब से मिलो और पार्टी में जुड़ने का काम कीजिए। देखिए, आज की जो समय है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, नशा बढ़ चुका है। हम हरियाणा पंजाब के लोग धरती को अपनी माँ कहते थे, हम अपनी माँ को बेच के विदेश जाना पड़ रहा है, वहाँ जाके बहुत, वहाँ भी दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 5-5, 6-6 व्यक्ति रह रहे हैं। वो कारण क्या है? क्योंकि 202,30,000 पोस्टें हरियाणा में खाली पड़ी हैं, अगर वो भर दी जाए तो युवा यहाँ से बाहर ही ना जाए। तो उसके लिए देखो, अभय सिंह जी ने एक बात कही है कि जो भी युवा एनएलओ से जुड़ेगा वो, उसको हम कोई ना कोई रोज़गार, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उसे रोज़गार देंगे, और उनके अलावा हर घर में एक युवा को रोज़गार देने का काम करेंगे। साल 2024 के मद्देनजर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, कोई आगामी प्रोग्राम भी है किसी बड़े नेता का, खासकर कैथल जिले में? हाँ बिल्कुल, अभी एक सूची जारी होगी जिसमें कैथल में अर्जुन चौटाला जी मेरे साथ आएंगे और हम पूरे जिले की जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है वो सारे लोग शिरकत करेंगे उसमें। और आप ये देखना कि ये जो RKM फार्म है यहीं पर प्रोग्राम रखेंगे तो ये पूरा भरा मिलेगा आपको युवाओं का, जिस दिन वो आएंगे वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर, आपका नाम और पार्टी? शैलेंद्र प्रताप राणा नाम है। मेरे पास इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश कार्यकारिणी की जिम्मेवारी है। जो आज ये युवाओं का पैनल तैयार किया गया है, हलका अध्यक्ष लगाए गए हैं, जिले की बॉडी बनाई गई है, और जो 21 जनवरी का पूरे हरियाणा प्रदेश का कैथल के अंदर युवा सम्मेलन है और उसमें हमारे मुख्य अतिथि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। अब की बार युवाओं ने ठान लिया है हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिनकी भी जो भी ड्यूटी है लगी है, इस पार्टी को इतनी शक्ति देनी है अब की बार, ताकि हरियाणा प्रदेश में जो 19 सालों से युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है और नौकरी नहीं मिल रही, और युवा विदेश जाने के लिए हरियाणा से पूरे देश से प्लान कर रहे हैं जो आज मौजूदा सरकार है, इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी बहुत ज़रूरी है। और जो खड़े हैं, मेरा नाम सन्नी चौसाड़ा है, मेरे को युवा हल्का प्रधान का पद दिया गया है, और जो भी जिला की युवा इकाई ने जो मेरे को पद दिया है और अर्जुन चौटाला ने, अभय सिंह चौटाला ने, पार्टी के विशेष नेताओं ने, मैं उस जिम्मेवारी को बड़ी बखूबी से निभाऊंगा और युवा, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में इनेलो की सरकार बनाने का काम करेंगे।